नदियों का डुंगू तालाब सज धज कर छठ व्रतियों के लिए तैयार है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर पूरा तालाब गंदगी का भंडार है। जगह जगह पर यहाँ लोग कचरा जमा कर दिए हैं जिसकी सफाई नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि यह छठ पर्व जो आस्था का महान पर्व है और यह सफाई का ही पर्व माना जाता है, इस पर्व को करने में छठ व्रतियों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यह समझने की बात है। हर साल लोग इस प्रकार से पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि यह देखने नहीं आया है कि यहाँ कितनी साफ सफाई हुई है। लोगों में आक्रोश व्याप्त है, लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली। ये हमारे बेड़ो पंचायत की मुखिया हुई सुशांति भगत, जानना चाहेंगे लोगों का कहना जो है छठ तालाब को लेकर। लोगों का कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि छठ तालाब का साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देते। आप क्या कहते हैं? नहीं, हर बार तो हम जब से मुखिया पद में हैं तब से हम करा ही दे रहे थे, लेकिन अब जो बेड़ो जो यंग भाई सब हैं वो सब अपने जनभागिता से साफ सुथरा करने लगे तो अच्छा बात है, लेकिन बाकी जो सहयोग है वो सहयोग तो हम लोग हमेशा करते ही रहेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, यहाँ कोई विधायक ध्यान नहीं देता है, कोई यहाँ का मुखिया ध्यान नहीं देता है। तो आप लोग मुखिया विधायक जो भी हैं उनसे कभी शिकायत? हाँ बहुत सर, बहुत ही सबका जो है ना बहुत बार बातचीत हुआ है कि नहीं इसको कर देंगे, सीओ से डालल है, ई करल है, लेकिन कुछ होता नहीं है सर। ध्यान देते हैं लेकिन सालों भर में सिर्फ एक दिन ध्यान देते हैं। अच्छा, जब प्रोग्राम सामने आया तब ध्यान देते हैं। अगर शुरू से ध्यान दिया जाए तो ये तालाब का जो नतीजा दिख रहा ये नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये बढ़ चढ़ के साफ सुथरा हरदम रह गई चीज, क्योंकि अक्सर यहाँ जैसे छठ पूजा हो, मूर्ति भसान हो या कोई डेट उठ कर जाता है, बरवा सब यहीं बनाया जाता है, उसे दौरान में अगर शुरू से ध्यान दिया जाए हरदम ये तालाब साफ सुथरा रहेगा। सुनी जी, आप भी छठ पर्व करते हैं? जी सर। करते हैं ना, फिर ये घाट का स्थिति ऐसा क्यों? हर साल तो जैसे पड़ते से सब मलमूत्र सब होते रहता है यहाँ, ठीक ना। उसके बाद फिर साल में जब छठ पर्व आता है तभी सब ध्यान देते हैं, उससे पहले तो ध्यान कोई नहीं देते हैं। शुरू से यहाँ ध्यान दिया जाए तो बहुत ही शानदार बन जाएगा, यहाँ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब ध्यान। तो आप ग्रामीण जो हैं ये जनप्रतिनिधियों से खुश हैं आप लोग कि इन्होंने अच्छा काम किया है? खुश तो नहीं है। नहीं है, अब होने वाला है। ठीक है, जानना चाहते हैं आपसे क्या यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि आए देखे इसको छठ को, छठ तालाब को? जनप्रतिनिधि तो नहीं आए। अच्छा, तो ये जो सर सफाई किया जा रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये क्या ग्राम रक्षा दल है? अच्छा, ग्राम रक्षा मुखिया हैं जो भी हैं वो कभी आते हैं देखते हैं इस छठ तालाब को? नहीं आते। उनके द्वारा कुछ काम हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ है। तालाब है, पूजा का तालाब है, मान लीजिए यहाँ कोई भी पूजा होता है साफ सुथरा रहेगा तो थोड़ा ठीक लगेगा, सामने बच्चे पढ़ते हैं, पूरा घर उर है, पूरा सफाई रहेगा तभी ना सर। तो यहाँ बगल में यहाँ पर छठ तालाब जो हम देख रहे हैं गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं? कहाँ कोई ध्यान देता है, आप उधर भी बुलवाए थे ना कस्तूरबा तरफ।